उपजिला अधिकारी मां डॉक्टर सुरेश चंद द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को तहसील के सभागार में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की तहसील अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा तहसील माट में तैनात कुछ कानूनगो कुछ लेखपालों पर किसानों के प्रति दुर्व्यवहार और पैसे लेकर काम करने का आरोप लगाया गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बैठक में शिकायत की कि बहुत से किसान सम्मान निधि पाने से वंचित हैं, तो वहीं कुछ पदाधिकारियों का आरोप था कि अभी तक बहुत से किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राकेश सोनी से सख्त लहजे में कहा कि किसानों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ तहसील में तैनात कर्मचारियों का व्यवहार सही नहीं हुआ तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही बैठक में पूर्ति विभाग के अधिकारियों के न आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष रोहतास चौधरी ने एआरओ के खिलाफ जिला अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई। एलडीवी चुनाव में अपनी ड्यूटी लगी होने का हवाला देते हुए तहसीलदार राकेश सोनी ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि आगे इस तरह की किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बैठक में तहसील अध्यक्ष रोहतास चौधरी, चेतन नोहवार, मुकेश पहलवान, मीडिया प्रभारी शिव कुमार तोमर, गजेंद्र सिंह गावर, चुनमुन चौधरी, अमित चौधरी, हरपाल चौधरी आदि तमाम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील सभागार माट में हुई है और तहसीलदार साहब आज जल्दी में होने के कारण उन्होंने कहा है कि किसी अन्य डेट में हम एसडीएम साहब के समक्ष इस मीटिंग को रख लेंगे। और ये जो मीटिंग है लॉकडाउन के चलते कोरोना महामारी को देखते हुए जो हम क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों की समस्याएं जो आती हैं तो यहाँ पे किसान एकत्रित ना हो, भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो, इसको देखते हुए हम उनका पक्ष अपने किसानों का पक्ष अधिकारियों के समक्ष रखना चाहते हैं और जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसमें जल्द से जल्द सुधार हो। किसानों के जो किसान सम्मान निधि है कुछ किसानों को मिल रही है, कुछ किसानों को नहीं मिल रही है। और एआरओ साहब जो यहाँ पे आना था, एसडीएम साहब का आदेश था, वो मीटिंग में उपस्थित भी नहीं हुए। पता नहीं क्या कारण रहा होगा, क्यों नहीं हुए, तो हम एसडीएम साहब से इसका कहेंगे भी कि भाई वो उपस्थित नहीं हुए। और यहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं बहुत काफ़ी कम संख्या में हैं और जो भी आगे बात होगी आपको बता दिया जाएगा। अभी समस्या का कोई समाधान नहीं है।